दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सक हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज जो भी बिहार के मधेपुरा जिला में है न्यू बना है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है, उसमें जो बहाली निकला है, उस बहाली में क्या क्या पद है, क्या चार्ज है, कैसे अप्लाई हुआ, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ों को बताएंगे, किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करें, सारा चीज़ हमको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचा। यहाँ भी देख लीजिए, मैंने आपकी काम की बहुत सारी वीडियो मैंने पहले से बना के दे दिया हूँ। अगर आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे तो उसका स्टेटस जो स्टेटस अब इस तरह किस तरह चेक कर पाएंगे इस वीडियो मैंने बताया है, तो चेक कर लीजिएगा आपका स्टेटस में क्या आ रहा है, रुपया आया नहीं आया, क्या दिखा रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखे देगा। और मैट्रिक का डमी एडमिट कार्ड, इंटर मैट्रिक का किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे, वस्तानिया फोकानिया मौलवी का जो ऑनलाइन अप्लाई होगा 2020 के लिए वो अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिया गया है। और बहुत सारे मैंने आपके लिए वीडियो पहले से बना चुका। अगर आपने किसी तरह का कोई भी गाड़ी वगैरह लिया है तो लोन पे, तो आप बिना अपने अकाउंट से रुपया कटाए तो आप किसी भी अकाउंट से कटाकर उस लोन अमाउंट को आप जमा कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो की मदद से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया आपको, जॉब फास्ट सर्च पे इस पर आ जाना है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्टेड डे से 21 तारीख से और लास्ट जो है जो 5 तारीख है, और इसका यहाँ अनरिजर्वेशन जनरल का जो चार्ज है वो 500 रुपये, ST ST के लिए 200 रुपये चार्ज यहाँ पर दिया गया है। और एज इलेजिबल एज की बात करें तो यहाँ पे 1/9/2019 को 18 साल मैक्सिमम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है 414 पोस्ट यहाँ पे दिया गया, और कौन कौन पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, देख पा रहे, नर्सिंग सिस्टर, ग्रेड ए नर्स, कक्ष सेवक, और इस किस किस पोस्ट, और यहाँ पे जो सारी चीज़ दिया गया है कौन सा आप पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो पोस्ट है वो अलग दिया गया, और कॉलेज का जो पोस्ट है वो अलग दिया, कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों में जो इस बहाली निकाला गया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको सुविधा होगी अच्छी। तो चलिए अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक लिंक दिया हूँ, लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे चले आएंगे, जन नायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सक महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा, तो इस हाँ यहाँ पे चलेंगे इस फॉर्म पे। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने में सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है, जो भी आपको फर्स्ट नेम वो देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम देना होगा, सॉरी मिडिल नेम देना होगा, उसके बाद आपको लास्ट नेम देना होगा। इसी तरह आपको अपना पिता का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसी तरह जिस तरह आप देख पा रहे मैं इंटर कर रहा हूँ। अगर कोई भी नाम में अगर मिडिल नेम वगैरह नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह अपना अपना नाम, पिता का नाम, मदर का नाम लिख दीजिए, अगर मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पोस्ट अप्लाई, यहाँ पूछा है कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको कौन सा पोस्ट में करना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पेमेंट है, उसके लिए मैं दो नोटिफिकेशन जो आपको दे देता हूँ, ठीक है। एक हॉस्पिटल करके मैं दे दूंगा नोटिफिकेशन, एक कॉलेज करके नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो है ये कॉलेज का, ठीक है, कॉलेज का नोटिफिकेशन, इसमें देखिए पद का नाम, कोटि, उम्र और क्या क्वालिफिकेशन, क्या इसका पेमेंट होगा, सैलरी वो दिया गया है। उसी तरह हॉस्पिटल का भी यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट का नाम, पद और क्या योग्यता और क्या सैलरी मिलेगी, ये सब दिया गया है। तो अपने हिसाब से सेट कर देख लीजिएगा आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको, सॉरी यहाँ पे आपको अपने ये सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे कैलेंडर मिलेगा, तो इस कैलेंडर से आप इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर सेलेक्ट किए, तो इस तरह आप
ठीक है, देखिए 10 सेकंड देना है मैंने कैलेंडर, उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस देना है, अगर शादी हो गया तो मैरिड, अगर नहीं अनमैरिड है तो नहीं हुआ, अगर विंडो या तलाक वगैरह दिया तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, विंडो है तो ये, तो अनमैरिड मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर देंगे अपना, उसके बाद अपना इंडियन नेशनलिटी ये सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ रिलीजन आप किस धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो भी वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना जेंडर जो भी आपका मेल फीमेल जो भी वो देंगे, उसके बाद कैटेगरी अनरिजर्वेशन बीसी ईबीसी एससी एसटी ठीक है, उसके बाद आप देंगे आप दिव्यांग वगैरह विकलांग वगैरह हैं, अगर है तो यस सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे, और यस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ परसेंट आपको देना होगा ठीक है, और यस या नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पर भी नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस देना है ठीक है, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों एड्रेस देना है आपको, दोनों का स्टेट सेलेक्ट करना होगा ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पिन कोड वगैरह दे दीजिए, अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो आपको इस बॉक्स में टिक मार कर लगा देना ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है एग्जामिनेशन पास आपका क्वालिफिकेशन ठीक है, एग्जामिनेशन आप जो मान लीजिए इंटर के लेवल पे आप भर रहे हैं तो पहले सब कुछ से पहले आपको मैट्रिक देना है, मैट्रिक किस साल पास किए थे, बोर्ड का नाम देना है यहाँ पे जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। उसके बाद यहाँ सॉरी यहाँ पे आपको एग्जाम पासेज में मैट्रिक देना है, यहाँ आपको मैट्रिक देना है कौन सा एग्जाम पास किया, मैट्रिक किस बोर्ड से किए वो, उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर कौन सा ईयर पास किए वो देना है, और यहाँ पे वो मतलब मार्क देना है ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देना है यह मार्क ऑप्शन में मतलब कितना मार्क आपको आया वो देना है, आउट ऑफ में फुल मार्क कितना का वो देना है, उसका जो भी इसका मार्कशीट होगा मार्कशीट का सीरियल नंबर और इसका परसेंट जो होगा जो भी परसेंट होगा वो परसेंट आपको यहाँ पे दे देना होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ठीक है, जो परसेंट होगा परसेंट आप दे, परसेंट किस तरह निकालते वो भी आपको बता देते हैं सिस्टम पे। तो परसेंट निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर ओपन करना होगा, तो परसेंट निकालने में आपको बता देते देख लीजिए परसेंट निकालते हैं किस तरह, मान लीजिए आपको 500 का परीक्षा था 393 मार्क आया ठीक है, तो मेरा 500 का परीक्षा था 393 मार्क आया, जितना मार्क आया आपको उतना लिखना है, और जितना मार्क का परीक्षा था जैसे 5 मार्क का परीक्षा था तो 0 को हटा देंगे तो वो बचेगा 5 और भागा दे देंगे 5 से, उसके बाद जो परसेंट निकलेगा इस तरह का परसेंट निकलेगा 78.6, तो वही 78.6 मतलब 6 के बाद 0 लग जाएगा 60 हो जाएगा ठीक है। इसी तरह जितना भी मार्क आया आपको और जितना भी फुल मार्क है उसमें से 0 हटा के जो बचता है उससे भागा दे देंगे तो आपका परसेंट निकल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस मांग रहा है तो एक्सपीरियंस में भरना है, अगर नहीं मांग रहा है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अगर पेमेंट आप बैंक ड्राफ्ट के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका डिटेल देंगे, नहीं तो ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन में बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपको अपलोड करना है जिसकी केवी 50 KB से कम होनी चाहिए और सिग्नेचर जिसकी केवी 20 KB से कम होना चाहिए, दोनों का अपलोड कर लीजिए। उसके बाद अपलोड करने के बाद जब आईडी इसमें टिक मार्क लगा दीजिए, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक काम करना होगा, सबसे पहले आपको एक डीडी बनाना है, जो भी आपको आप किसी भी बिहार की किसी भी राजकीय बैंक से डीडी बना सकते हैं, कितना का डीडी बनाना है वो आपको हम बताएंगे आगे। तो सबसे पहले आपको डीडी बना लेना है, डीडी बनाने के बाद आपको इस फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि इस फॉर्म में आपको यहाँ पे डीडी जो है डीडी का भी इंफॉर्मेशन देना होगा, डीडी किस बैंक से बना है वो देना होगा, और ब्रांच बैंक जो हुआ कहाँ है वो देना होगा, किस डेट को आपने डीडी बनाया वो देना है, डीडी का नंबर जो होगा वो नंबर यहाँ पे देना है, उसके बाद अमाउंट कितना का आपने डीडी बनाया है ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर फोटो आपको अपलोड करना है, पहले आप डीडी बना लीजिए, डीडी बनाने के बाद आप फॉर्म को पूरी तरह सबमिट कर पाएंगे। तो पूरा चीज़ मैंने बता दिया फिलअप करने के लिए, डीडी आपको बनाना अनिवार्य है, और पहले आपको डीडी बनाएंगे, जब तक आप डीडी नहीं बनाएंगे तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो डीडी बनाने के बाद इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दें, उसके बाद आई टिक यहाँ पे टिक लगा देना है आई एग्री में, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, रिसिप्ट जो भी रसीद होता है वो रसीद को आपको प्रिंट कर लेना होगा ठीक है। प्रिंट करने के बाद आपको अब क्या करना है अब मैं प्रक्रिया बता देता हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ डीडी आपको कितना का बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जो भी
मेडिकल कॉलेज के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया अगर आप किसी भी अनरिजर्वेशन कोटा से आते हैं तो आपको 500 रुपये का DD बनाना है। उसके बाद SC ST के अगर कोटा से आप आते हैं, SC ST हैं आप, तो 200 रुपये का DD बनाना है। अगर आप SC ST है तो 200 रुपये का DD बनाना है। अगर आप SC ST के अलावा कोई भी जाति है, सभी जाति में आपको 500 रुपये देना होगा SC ST को छोड़कर। तो किसके नाम से बनेगा, यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा, इसके नाम से आपको DD बना लेना है किसी भी राजकीय बैंक से, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब कि बनाने के बाद इसका रुपया कभी भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए DD कितना का बना था ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद आप क्या करना है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिया गया ये नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आपको मैं दे सकता हूँ। नोटिफिकेशन अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेरे चैनल का ग्रुप का लिंक, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे सभी तरह की जानकारी, सभी तरह की वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहेगी, सभी तरह की जानकारी और की सभी तरह के हेल्प आपको उस ग्रुप की मदद से मिलती रहेगी। इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए 19 नवंबर में दिया गया इस विज्ञापन को पढ़ना चार्ज जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सक महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा और वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, तथा आवेदन पर द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते यह सुनिश्चित किया जाएगा अंकित कॉलम में वंचित सूचना निर्धारित करें, यानी कि बताएं जो भी कॉलम है, जो भी फॉर्म, उसको भरना जरूरी है। उसके बाद जो भी आपको बोल रहा है मतलब अपलोड करने को, वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो भी रसीद निकलेगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो भी रसीद निकले उसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको प्रिंट किया होगा रिसिप्ट और आपका जो बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट और जितनी चीज़ आपने उस पर क्वालिफिकेशन में दिया, तो सारा चीज़ का सारा डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी होता है मार्कशीट वगैरह, मार्कशीट आपको लगा देना है। सभी मार्कशीट वगैरह जितना भरें, अगर इंटर मैट्रिक BA का भरें तो तीनों का आपको मार्कशीट लगाना है और तीनों की फ़ोटो स्टेट पर आपको सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। उसके 3 हाल की खिंचाई हुई फ़ोटो स्पर्श और 3 आपको फ़ोटो भी लगाना है, और उसको आपको क्या करना है SP पोस्ट के माध्यम से, यानी कि डाक के माध्यम से 10 अक्टूबर तक आपको भेज देना है, ठीक है। 10 अक्टूबर तक इनको मिल जाना चाहिए, तो अपने हिसाब से भेज दीजिए कब भेजिएगा कि 10 अक्टूबर तक ये पहुंच जाएगा। ये अभी तक जो डेट यहाँ पे 10 तारीख तक दिया गया, और ऑनलाइन आवेदन करने का डेट 5 तारीख तक है, अभी तक है, आगे बढ़ा सकता है। अगर बढ़ाएगा तो आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल हम आपको दे देंगे अगर डेट बढ़ेगा तो। अभी 5 तारीख तक आप ऑनलाइन करेंगे, जब ऑनलाइन करने के बाद आपको 10 तारीख तक में आपको डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ क्या क्या आपको भेजना है, जो ऑनलाइन करेंगे वो रसीद आपको भेजना है उस हार्ड कॉपी में, तो फिर से आपको समझा देता हूँ कि जो ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन का डेट 5 अक्टूबर तक डेट है अभी तक, अगर इसका डेट बढ़ता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। और ऑनलाइन करने के बाद जो रसीद निकलेगा, रसीद और उसके बाद DD जो आपने बैंक से बनाया, वो DD और जितना भी आपने उसमें क्वालिफिकेशन दिया है, वो सारा क्वालिफिकेशन का मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करके और 3 हाल के ही फ़ोटो के साथ आपको डाक के द्वारा भेज देना है। किस पते पर भेजना है वो भी आपको हम यहाँ पे देख लीजिए, नोटिफिकेशन में पूरी चीज़ बता दिया गया है। और ये अगर नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पूरी चीज़ पता वगैरह भी दे दिया है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उस वहाँ पर भी आपको मैं व्हाट्सएप पर भी ये नोटिफिकेशन आपको दे सकता हूँ। दोस्तों इसी तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।